हिंसा कोई भी हो, हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारी किसान माताएं बहनें बैठी थी उनके खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे थे, जो ये आज ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे, जब वे लोग कहाँ थे? जब महिला खिलाड़ी आंदोलन कर रही थी तब उनको रोड पे घसीटा जा रहा था, उनको बुरा भला बोला जा रहा था, तब कहाँ थे ये ज्ञानी लोग? जो अभी एक जो किसान की बेटी है उन्होंने ये बोला कि भाई उस प्रोटेस्ट में मेरी माँ भी बैठी थी, जब कंगना बोल रही थी कि 100-100 रुपये लेके इस प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। कोई भी अगर किसान होती कंगना रनौत जी, तो उसको भी पता होता कि किसान कितनी मेहनत करता है, वो अपनी फसलों के दाम मांग रहा है, वो कोई ये नहीं बोल रहा कि सरकार को कि मुझे करोड़पति बना दो और घर पे पैसे भेज दो। कंगना रनौत जी कोई फिल्म कर रही है वो फ्री में थोड़ी ना कर रही है, वो भी तो अपनी फीस चार्ज कर रही होगी। तो सबको अधिकार है ये, कि किसान को भी अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। इसका मतलब ये नहीं कि उन माता बहनों को हम बुरा भला बोलेंगे। एक जब ये वारदात सामने आई है तो ये कहा जा रहा है कि कुलविंदर कौर को पहले कंगना रनौत ने कोई गुस्सा किया हुआ था किसी बातचीत? देखो इस पूरे प्रकरण का तो मुझे पता नहीं, हिंसा का हम भी समर्थन नहीं करते, लेकिन जब कंगना रनौत जी किसानों के खिलाफ बोल रही थी, जब महिला खिलाड़ी जब प्रोटेस्ट कर रहे, जब कंगना रनौत जी क्यों नहीं बोली? जब क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का सांसद था, तब लड़कियों को बुरा भला बोल रहे थे, तब कंगना रनौत क्यों नहीं बोली? जब ये ज्ञान जो आज ज्ञान बांट रहे हैं जो सोशल मीडिया पर आज फिर से दोबारा से गालियां दे रहे हैं, कंगना का समर्थन कर रहे हैं, तो जब वो लड़कियां नहीं हैं, देश की बेटियां नहीं हैं, वो किसान आंदोलन में बैठे थे महिलाएँ, वो हमारी माताएँ बहनें, वो देश की बेटियाँ नहीं हैं, तो उनके खिलाफ ऐसे शब्द बोल रहे, तब आप क्यों नहीं आए ज्ञान बांटने के लिए? बजरंग जी, अभी एनडीए सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए सरकार पे तो ना ही प्रतिक्रिया ले तो ठीक है, क्योंकि सबको पता है, और शायद इस पे फिर कभी बात करेंगे, इस पे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। देखो हिंसा कोई भी हो, हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारी किसान माताएं बहनें बैठी थी उनके खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे थे, जो ये आज ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे, जब वे लोग कहाँ थे? जब महिला खिलाड़ी आंदोलन कर रही थी तब उनको रोड पे घसीटा जा रहा था, उनको बुरा भला बोला जा रहा था, तब कहाँ थे ये ज्ञानी लोग? जो अभी एक जो किसान की बेटी है उन्होंने ये बोला कि भाई उस प्रोटेस्ट में मेरी माँ भी बैठी थी, जब कंगना बोल रही थी कि 100-100 रुपये लेके इस प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। कोई भी अगर किसान होती कंगना रनौत जी, तो उसको भी पता होता कि किसान कितनी मेहनत करता है, वो अपनी फसलों के दाम मांग रहा है, वो कोई ये नहीं बोल रहा कि सरकार को कि मुझे करोड़पति बना दो और घर पर पैसे भेज दो। कंगना रनौत जी कोई फिल्म कर रही है वो फ्री में थोड़ी ना कर रही है, वो भी तो अपनी फीस चार्ज कर रही होगी। तो सबको अधिकार है ये, कि किसान को भी अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। इसका मतलब ये नहीं कि उन माता बहनों को हम बुरा भला बोलेंगे। एक जब ये वारदात सामने आई है तो ये कहा जा रहा है कि कुलविंदर कौर को पहले कंगना रनौत ने कोई गुस्सा किया हुआ था किसी बातचीत? देखो इस पूरे प्रकरण का तो मुझे पता नहीं, हिंसा का हम भी समर्थन नहीं करते, लेकिन जब कंगना रनौत जी किसानों के खिलाफ बोल रही थी, जब महिला खिलाड़ी जब प्रोटेस्ट कर रहे, जब कंगना रनौत जी क्यों नहीं बोली? जब क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का सांसद था, तब लड़कियों को बुरा भला बोल रहे थे, तब कंगना रनौत क्यों नहीं बोली? जब ये ज्ञान जो आज ज्ञान बांट रहे हैं जो सोशल मीडिया पर आज फिर से दोबारा से गालियां दे रहे हैं, कंगना का समर्थन कर रहे हैं, तो जब वो लड़कियां नहीं हैं, देश की बेटियां नहीं हैं, वो किसान आंदोलन में बैठे थे महिलाएं, वो हमारी माताएं बहनें, वो देश की बेटियां नहीं हैं, तो उनके खिलाफ ऐसे शब्द बोल रहे, तब आप क्यों नहीं आए ज्ञान बांटने के लिए? बजरंग जी, अभी एनडीए सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए सरकार पे तो ना ही प्रतिक्रिया ले तो ठीक है, क्योंकि सबको पता है, और शायद इस पे फिर कभी बात करेंगे, इस पे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। देखो हिंसा कोई भी हो, हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारी किसान माताएं बहनें बैठी थी उनके खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे थे, जो ये आज ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे, जब वे लोग कहाँ थे? जब महिला खिलाड़ी आंदोलन कर रही थी तब उनको रोड पे घसीटा जा रहा था, उनको बुरा भला बोला जा रहा था, तब कहाँ थे ये ज्ञानी लोग? जो अभी एक जो किसान की बेटी है उन्होंने ये बोला कि भाई उस प्रोटेस्ट में मेरी माँ भी बैठी थी, जब कंगना बोल रही थी कि 100-100 रुपये लेके इस प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। कोई भी अगर किसान होती कंगना रनौत जी, तो उसको भी पता होता कि किसान कितनी मेहनत करता है, वो अपनी फसलों के दाम मांग रहा है, वो कोई ये नहीं बोल रहा कि सरकार को कि मुझे करोड़पति बना दो और घर पे पैसे भेज दो। कंगना रनौत जी कोई फिल्म कर रही है वो फ्री में थोड़ी ना कर रही है, वो भी तो अपनी फीस चार्ज कर रही होगी। तो सबको अधिकार है ये, कि किसान को भी अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। इसका मतलब ये नहीं कि उन माता बहनों को हम बुरा भला बोलेंगे।
एक जब ये वारदात सामने आई है तो कोई ये कहा जा रहा कि कुलविंदर कौर को पहले कंगना रनौत ने कोई गुस्सा किया हुआ किसी बातचीत। देखो इस पूरे प्रकरण का तो मुझे पता नहीं, हिंसा का हम भी समर्थन नहीं करते, लेकिन जब कंगना रनौत जी किसानों के खिलाफ बोल रही थी, जब महिला खिलाड़ी जब प्रोटेस्ट करे, जब कंगना रनौत जी क्यों नहीं बोली, जब क्यों, क्योंकि वो बीजेपी का सांसद था, तब लड़कियों को बुरा भला बोल रहे थे, तब कंगना रनौत क्यों नहीं बोली, जब ये ज्ञान नहीं, जो आज ज्ञान बांट रहे हैं जो सोशल मीडिया पर आज फिर से दोबारा से गालियां दे रहे हैं, कंगना का समर्थन कर रहे हैं, तो जब वो लड़कियां नहीं है, देश की बेटियां नहीं है, वो किसान आंदोलन में बैठे थे महिलाएँ, वो हमारी माताएँ बहनें, वो देश की बेटियां नहीं है, तो उनके खिलाफ ऐसे शब्द बोल रहे, तब आप क्यों नहीं आए ज्ञान बांटने के लिए। बजरंग जी अभी एनडीए सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सरकार पे तो नई प्रतिक्रिया ले तो ठीक है, क्योंकि सबको पता है, और शायद इस पे फिर कभी बात करेंगे, इस पे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है।